खबर स्टेशन में आपका स्वागत है। खबर स्टेशन में आज हम आपको बताएंगे मिराज 2000 की वो खासियतें जो आज तक आपने सुनी नहीं होंगी। उनको सुनने के बाद आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि क्या वाकई में कोई लड़ाकू विमान ऐसा भी हो सकता है। क्या है इसकी खासियतें, इसको जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की पनाह में पल रहे आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय वायुसेना ने एलओसी के पार जाकर जैश ए मोहम्मद के आतंकी कैंपों पर 1000 किलो के बम गिराए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इस ऑपरेशन में वायुसेना के 12 मिराज फाइटर प्लेन शामिल हुए थे। बता दें कि इस ऑपरेशन के लिए हमारी वायुसेना ने मिराज 2000 डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया है। इस लड़ाकू विमान की सबसे खास बात यह है कि किसी भी देश की सीमा के अंदर जाकर ये मार सकता है। ये बड़ी सटीकता के साथ सीमा के अंदर घुसकर अपने टारगेट को ध्वस्त करने का दमखम रखता है और ये इसने करके भी दिखा दिया है। ये वो मिसाइल है जो हवा से जमीन में मार करती है। इसके साथ ही ये अपने साथ एयर टू सरफेस मिसाइल भी संभाल सकती है। अब हम जान लेते हैं इसकी खासियतें। मिराज 2000 लड़ाकू, जिसे भारतीय वायुसेना ने वज्र नाम दिया है, यानी कि लोहे से भी ज्यादा कठोर, इसका निर्माण फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट ने किया है। ये वही कंपनी है जिसने राफेल को बनाया है। मिराज 2000 सिंगल इंजन फाइटर प्लेन विमान की लंबाई 14.36 मीटर है। विमान का वजन 7,500 किलो है। मिराज 2000 6,000 किलोग्राम की मिसाइल के साथ 2,495 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम स्पीड से उड़ान भर सकता है। ये 59,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। 125 राउंड गोलियां प्रति मिनट दाग सकता है। ये 68 मिलीमीटर के 18 रॉकेट प्रति मिनट दागता है। पहली बार 1970 में उड़ान भरने वाला मिराज 2000 फ्रेंच मल्टीरोल सिंगल इंजन चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट है। ये फाइटर जेट 9 देशों में सेवा दे रहा है। राडार की पकड़ में न आने वाला मिराज 2000 एक साथ हवा से जमीन और हवा से हवा में भी मार करने में सक्षम है। मिराज 2000 लड़ाकू विमान ने कारगिल युद्ध में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। अक्टूबर 1982 में भारत ने 36 सिंगल सीटर सिलेंडर मिराज 2000 और 4 ट्विन सीटर मिराज 2000 का ऑर्डर दिया था। इसे 1986 में औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल किया गया था। साल 2015 में अपग्रेडेड मिराज 2000 को भारतीय वायुसेना को सौंप दिया गया। अपग्रेडेड विमानों में नए राडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगे हैं। इनमें इन विमानों की मारक और टोही क्षमता में भारी इजाफा हो गया है। दोस्तों, कैसी लगी ये खासियत? आपको हम युद्ध से जुड़े हुए विमानों की और भी खासियतें बताएंगे, लेकिन आप इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी तक अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो उसको भी प्रेस कीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।